कराह में स्वच्छ भारत मिशन की खुली पोल, कचरा साफ करने युवाओं ने उठाई झाड़ू, करियादेह चौराहे और बस स्टैंड पर की सफाई। गुरुवार का सफर सफाई व्यवस्था के खिलाफ कराहल के युवा समाज सेवी लामबंद हो गए। उन्होंने कराह पंचायत प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कराह नगर के मुख्य चौराहे बस स्टैंड पर साफ सफाई की तरह से नहीं करवाई जा रही है। चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। आसपास के कई दुकानदार बदबू से परेशान हैं। आज गंदगी का एक वीडियो बनाकर युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। आनन फानन में कराहल पंचायत सचिव मौके पर पहुंचे, सफाई कर्मियों को बुलवाकर सफाई करवाई। सफाई कर्मियों का ये भी कहना है कि हमारे पास कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं है तो परेशानी हो रही है। कुछ सफाई कर्मी न्यूनतम वेतन से भी असंतुष्ट नजर आए कि इतने वेतन से हम कैसे अपना घर चलाए। वहीं अब युवाओं में पंचायत की इस घोर लापरवाही के खिलाफ भारी आक्रोश नजर आ रहा है। वह अपना विरोध प्रदर्शन अब झाड़ू लगाकर दर्ज करवा रहे हैं और इस सारे मामले की शिकायत कलेक्टर से करने की बात कह रहे हैं। कराह से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं आपका, मेरा नाम जीतन चौधरी है। क्या परेशानी है युवाओं को हाथ में झाड़ू लेनी पड़ी? परेशानी है कि हिंदू धर्म का इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है दीपावली पे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इतनी बड़ी जिले की सबसे बड़ी पंचायत होने के बावजूद यहाँ पे दुर्दशा देखो तुम, मतलब इतनी गंदगी है उसकी कोई सीमा नहीं है। युवाओं ने सोचा कि अब सफाई करना है कराल की, तो लगा रहे हैं झाड़ू। हमारा कचरे डालने के लिए गाड़ी तक नहीं है, कहते वो कहते हैं कि हमने पंचायत से बोल दिया है तो वो पैसा नहीं है, अभी फंड आएगा जो हम आपको क्या नाम है गाड़ी दिलाएंगे। ट्रैक्टर आता है उसमें बढ़ दिया, जिसका कचरा उठाया नहीं आई तो नहीं उठाया। मैंने उनके उनसे बोला कि भैया ये कचरा उठा ले जाना, हमारा काम नहीं है कचरा उठाने का, तो अपना कचरा कर रहे हो तो अपना कचरा फेंको। मेरे पास वीडियो भी है उसकी। अच्छा। सारी परेशानी है, कचरा जगह जगह अब कचरा डालो, कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है। पंचायत न सब देख जाएंगे, एक दिन सफाई होती है, किस दिन? जिस दिन कलेक्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा, बस ओनली एक दिन सफाई। विधानसभा में तीन तीन मंत्री हैं, फिर भी हमारा ये मतलब बीजेपी का ये रवैया, क्योंकि उन्हें दिखावा करना पसंद है। और सचमुच जमीन पे स्तर पे देखा जाए तो अभी आपने बताया था, उधर पूरे ढेर लग रहे हैं, कई अंडे डरे हैं, कई कुछ लग रहा है। हमारा दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसमें सभी मतलब सभी आदमी घरों की सुबह सफाई करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, लेकिन हाँ देखो हमारे बस स्टैंड पे ना पूरी दुकानों पे मतलब आदमी खड़ा नहीं हो सकता। सुभाष चंद्र बोस के नाम से इसको क्या गंदगी का अड्डा बना दिया गया? हाँ, ये बिल्कुल गंदगी का अड्डा है, ये अड्डा है, नशा वाले इनको, दारू वाले इनको, सबको अड्डा है। दुकान भी नहीं लगी किराए पे, पूरी दुकान अभी बंद पड़ी है, चक्कर ये नीलामी भी नहीं हुई। निजी भूमि तो अंदर रह गई, ये तो शासकीय बस स्टैंड के सामने का मैटर है। पब्लिक कहाँ खड़ी है, आप इधर घुमाइए, पब्लिक यहाँ खड़ी है। बदबू क्यों? ये आपकी तो आप ये आपकी दुकान है क्या पास में? हमारी दुकान है। कितनी गंदगी तो क्या कैसे कर पा रहे हो व्यापार? परेशान है, बांध खड़ा नहीं कर सकते, कचरे के चक्कर पूरी पटली खुद चुकी है। आपके आपके यहाँ ग्राहक कैसे आ पाते होंगे बदबू में? ग्राहक नहीं आ पाते, बदबू आती है, ग्राहक भाग जाते हैं। कैसे घर लालन पालन कर पा रहे हो बच्चों का? नहीं कर पा रहे ना, बहुत परेशान है हम तो। यही हमने आदिवासी ये क्या कर रहे हैं युवा? ये बस स्टैंड पर युवावस्था सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। क्यों लगानी पड़ रही है झाड़ू? क्योंकि यहाँ पे कोई झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे ना प्रशासन देखता है ना कोई देखता है, इसलिए स्वच्छता अभियान के तहत जिन लोग कर रहे हैं। क्या लगता है, ये तो मुख्य बस स्टैंड है, चौराहा है, यहाँ पर भी सफाई नहीं हो रही है, ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा सही है ये बात? जी सही है ये बात, कोई सुनवाई नहीं, प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है।